हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने वेक्टर स्पेस क्या होता है, वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन एंड सम सॉल्व प्रॉब्लम्स देखी थी हमने। इस वीडियो में हम सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस, बेसिकली व्हाट इज द वेक्टर सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस, ये हम इसमें देखेंगे। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन बड़ी सिंपल है। लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस, जो वी जो होगा वो एक वेक्टर स्पेस होगा। उस कंडीशन में हमारे पास बी अगर वेक्टर स्पेस है तो उस कंडीशन में उसका वी का कोई सबसेट, वी का कोई सबसेट, और बेसिकली लेट डब्ल्यू जो है वो सबसेट है वी का, इज कॉल्ड वेक्टर सब स्पेस। सब स्पेस तो एक तो सिंपल प्रॉपर डेफिनेशन तो हो जाएगी कि वी का कोई सब स्पेस डब्ल्यू जो है वो सब स्पेस होना चाहिए, वो भी वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टीज को होल्ड करना चाहिए। मतलब अगर डब्ल्यू सारी प्रॉपर्टीज को होल्ड कर रहा है वी वेक्टर स्पेस की को, तो हम कहेंगे जो डब्ल्यू जो है वो सब स्पेस है इस वी का। तो इस तरह से एक सिंपल प्रॉपर डेफिनेशन। अब सिंपल डेफिनेशन, बट हमारे पास कुछ जो कि कंडीशंस जो कि हमेशा ट्रू होती है, जैसे कि हम बात करते हैं यू प्लस वी डब प्लस डब्ल्यू एसोसिएटिव। अगर एसोसिएटिविटी की बात करें तो एसोसिएटिविटी अगर वी में है तो डेफिनेटली यू में होगी, चाहे वो सब स्पेस हो या ना हो। अगर हम बात करते हैं कम्यूटिविटी की, तो अगर वो वी में है तो डब्ल्यू में है, उसके हर सबसेट में होगी। तो कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे डेफिनेशन जिनको हम इग्नोर कर सकते हैं, जिन प्रॉपर्टीज को, क्योंकि अगर ये चीज बी बी अगर सब स्पेस है तो डब्ल्यू दोनों को फॉलो ही करेगा। तो कुछ सिर्फ कुछ ही कंडीशंस बच जाती है जो कि हमें चेक करनी होती है कि ये सब स्पेस है या नहीं। इसके लिए तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जैसे कि पहले क्या चेक करना होता है, द जीरो वेक्टर ऑफ बी इज इन डब्ल्यू, यानी जो डब्ल्यू का जो जीरो वेक्टर है वो बी में होना चाहिए, यानी ये एलिमेंट जरूर होना चाहिए। सॉरी, डब्ल्यू का जो जीरो एलिमेंट, सॉरी वी का जो जीरो वेक्टर है वो डब्ल्यू में जरूर होना चाहिए। तो ये होना चाहिए फर्स्ट। तो सेकंड, डब्ल्यू इज क्लोज अंडर एडिशन, तो यानी यू प्लस बी बिलोंग्स टू डब्ल्यू होना चाहिए, तो ये इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। एंड डब्ल्यू इज क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लीकेशन, यानी कि एल्फा डॉट यू अगर मल्टीप्लाई करें तो वो भी डब्ल्यू में आना चाहिए। ये तीन कंडीशंस को, इन्हीं तीन कंडीशंस को फॉलो कर रहा है तो हम कह देंगे कि जो डब्ल्यू है वो उस वेक्टर स्पेस की सारी कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, वो वेक्टर स्पेस की सारी कंडीशंस को फॉलो कर रहा है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि डब्ल्यू जो है वो सब स्पेस है वी का। अब एक एग्जांपल ले रहे हैं हम यहाँ पे। लेट डब्ल्यू बी द ग्राफ फंक्शन एफ एक्स बराबर टू एक्स, ये है, और डब्ल्यू बराबर दे रखा है हमने एक्स वाई बराबर बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, वाई बराबर टू एक्स। अब चेक करना है हमें इज डब्ल्यू इज सब स्पेस ऑफ आर स्क्वायर, तो बेसिकली आर स्क्वायर तो सब स्पेस होता है, सॉरी वेक्टर स्पेस होता है। अब हमें चेक करना है इज डब्ल्यू इज सब स्पेस ऑफ बी, यानी बी जो बी बराबर डब्ल्यू जो इसका सब स्पेस है या नहीं, यानी इसको हमें वेक्टर स्पेस चेक करना है। तो वेक्टर स्पेस की सिर्फ तीन कंडीशन को फॉलो कर चेक करना है हमें। पहला कि यू प्लस बी जो है वो बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, कोई भी दो एलिमेंट्स, तो इसके कोई भी दो एलिमेंट्स हमने सपोज कि ए और टू ए, जैसे प्रीवियस एग्जांपल में लिए थे जो कि प्रीवियस वीडियो में देखा था हमने, अगर ए है तो टू ए बी इसका एलिमेंट होगा, बी है तो टू बी, तो ये दो एलिमेंट है, सपोज ये यू है ये वी है। तो यू प्लस बी की अगर हम बात करें तो यू प्लस बी यानी यू एंड वी, तो ये हो गए हमारे पास यू प्लस बी, इसको लिख सकते हैं हम ए प्लस बी एंड टू टू ए प्लस टू बी। तो बेसिकली ये क्या हो गया, ए प्लस बी एंड टू ए प्लस बी, तो ये हमारे पास हो गया ये। इसको अगर एक्स ले लें तो इसको टू एक्स, तो ये बेसिकली बिलोंग्स टू, इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो बिलोंग्स टू डब्ल्यू। और अगर जीरो की बात करें, थर्ड था हमारे पास जीरो जो है, जो सॉरी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, जीरो जो है वो इसी के में होना चाहिए। तो अगर एक्स बराबर जीरो तो वाई बराबर, एक्स बराबर जीरो तो वाई बराबर भी जीरो। तो अगर यहाँ पे एक्स बराबर जीरो लें तो वाई बराबर जीरो, तो ऑब्वियसली जीरो जीरो जो है बिलोंग्स टू डब्ल्यू कर रहा है, ये हो गया। थर्ड प्रॉपर्टी, अगर किसी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई कर ले, तो सिंपली यहाँ कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई किया एल्फा यू, तो ये हो गया एल्फा ए टू एल्फा यू। अगर ये इसको एक्स ले लें तो ये भी इसका दो गुना है, टू से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये एक्स और टू एक्स ये भी बिलोंग्स टू डब्ल्यू कर रहा है। तो उस कंडीशन में हम कहेंगे डब्ल्यू जो है वो सब स्पेस है वी का।
अब एक ये एग्जांपल है हमारे पास, लेट डब्ल्यू बी द फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट इन आर एन, डब्ल्यू जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है आर एन में, देन एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इज डब्ल्यू इज अ सब स्पेस। तो अगर हम देखें तो ये डब्ल्यू जो है सब स्पेस के, अगर जीरो की बात करें तो जीरो को कंटेन क्यों होगा, क्योंकि जीरो जीरो जो है वो इसमें है, इन दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अगर हम सम की बात करें तो दो इवन नंबर्स, यानी कि सपोज कि एक नंबर ले लिया हमने ए बी और दूसरा ले लिया बी एंड सी, तो अगर इनका सम सी और डी ले लें तो वो हो जाएगा ए प्लस सी एंड बी प्लस डी। ये भी हमारे पास ग्रेटर देन जीरो होगा, क्योंकि दोनों ग्रेटर देन जीरो है, तो ये ग्रेटर देन जीरो होगा, ये हो गया। अब थर्ड कंडीशन है हमारे पास कि किसी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करने पे, सपोज कॉन्स्टेंट हमने एक नेगेटिव ले लिया, नेगेटिव वन से माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दिया और मल्टीप्लाई किया ए और बी का, तो ये हो जाएगा माइनस ए माइनस बी। अब चूंकि ये एंट्री भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, अब ये दोनों एंट्री नेगेटिव है, तो ये तो बिलोंग्स टू डब्ल्यू नहीं कर रहा, नॉट बिलोंग्स टू डब्ल्यू, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो डब्ल्यू है वो वेक्टर स्पेस नहीं है, डब्ल्यू जो है वो वेक्टर स्पेस नहीं है आर स्क्वायर का। इस तरह से हम नीचे के कुछ एग्जांपल है जिनको हम चेक कर सकते हैं, जैसे ये एग्जांपल है लेट वी बराबर एम एम जो है एन क्रॉस एन मैट्रिक्स का एक वेक्टर स्पेस है ऑफ ऑल एन मैट्रिक्स, वी डिफाइन द ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, हमने डिफाइन कर दिया ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए बिलोंग्स टू एम क्रॉस एन, जहाँ पे ट्रेस ऑफ ए बराबर क्या है, बेसिकली ट्रेस ऑफ ए जो होते हैं वो डायगोनल एंट्रीज का सम होती है। लेट अब यहाँ पे हमारे पास हमने बी तो ये था हमारे पास वेक्टर स्पेस ऑफ एन क्रॉस एन, अब हमने एक डब्ल्यू एक सबसेट ले लिया जो कि एन क्रॉस एन मैट्रिक्स का है, होल ट्रेस जीरो, जिनकी ट्रेस जो है वो जीरो है। अब हमें चेक करना है कि ये जो है मैट्रिक्स ये सब स्पेस है या नहीं, तो बेसिकली पहले जीरो के लिए चेक करना होगा, तो अगर जीरो एलिमेंट की बात करें तो जीरो 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 जीरो, तो इसकी ट्रेस जो है वो जीरो होगी, तो ये बेसिकली जीरो इसमें है, जीरो है तो यहाँ से फर्स्ट हो गया जीरो। अब बात करते हैं हम सम की बात, तो हमारे पास सपोज दो मैट्रिक्स ले लिए ए एंड बी, और दोनों की ट्रेस जो है बेसिकली सम जो है एलिमेंट का जीरो है, तो यहाँ पे अगर जैसे ए वन वन होगा या ए टू टू होगा, ए थ्री थ्री होगा, और ऐसे प्लस अगर यहाँ पे बात करें तो बी वन वन बी टू टू, इस तरह से अगर जब हम ऐड करेंगे तो फिर ऐड कैसे होता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का ऐड होता है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ए वन वन का सम जो होगा वो बेसिकली यहाँ की जो बी वन वन से होगा, यानी कि डायगोनल एंट्रीज का जो सम होगा वो डायगोनल से ही होगा, तो डायगोनल क्या होगा, तो जैसे ए वन वन यहाँ पे बी वन वन से, ए टू टू का बी टू टू से, अब ये टर्म ये भी जीरो है, अगर सम की बात करें सम में तो अलग अलग कर सकते हैं, ए वन वन प्लस डॉट डॉट ए एन एन प्लस बी वन वन डॉट डॉट बी एन एन, तो इनका सम जीरो इनका सम जीरो, तो टोटल जो है ट्रेस ए प्लस ट्रेस बी बराबर ये जीरो है, तो बेसिकली दोनों का सम जो है वो भी जीरो है। अब हम मल्टीप्लाई की बात करते हैं, तो किसी कॉन्स्टेंट एल्फा से मल्टीप्लाई करते हैं, तो बेसिकली हम किसी ए वन वन ए वन टू डॉट डॉट ए वन एन ए टू टू, ये तो इसके ए टू टू यहाँ पे होगा, ए टू वन टू टू ए टू एन, और यहाँ से तो अगर देखें तो हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो बेसिकली हमें अब क्या करना है, ट्रेस चेक करने के लिए एल्फा ए वन वन प्लस एल्फा ए टू टू प्लस डॉट 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 एल्फा ए एन एन, तो ये चेक करना होगा। एल्फा अगर हम कॉमन ले लें तो एल्फा कॉमन लेने पे क्या जाएगा, ये ए वन वन प्लस ए टू टू प्लस डॉट डॉट ए एन एन, अब ये सम जो है वो जीरो है, तो ये टोटल सम भी जीरो है, तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं डब्ल्यू जो है वो सब स्पेस है टू क्रॉस टू मैट्रिक्स का, जो स्पेस था उससे वेक्टर स्पेस जो था उसका सब स्पेस है डब्ल्यू, तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल ये भी आप सॉल्व कर सकते हो, ये मैं सॉल्व करके नहीं दिखा रहा, सिर्फ देख लीजिए यहाँ से, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 14 भी आप सॉल्व कर सकते हो, एग्जाम्पल नंबर 15 भी आप सॉल्व कर सकते हो, और फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस है जिनको आप इजीली देख सकते हो, ये भी डेफिनेशंस को इजीली, इसमें कुछ है नहीं, ये हमारे पास सिंपली दो डेफिनेशंस है, थ्योरम्स हैं जिनको आप देख सकते हो। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मेरा नंबर है 9460689761, इस पर व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करना है। थैंक यू फ्रेंड्स।